आपने आज तक भारत माता का यही रूप देखा होगा, शेर पर सवार, साड़ी पहने, मुकुट लगाए और हाथ में झंडा लिए हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत माता को अब ये रूप देने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, तो इसकी वजह है त्रिपुरा चुनाव। त्रिपुरा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी भारत माता का नया चित्रण कर रही है। इस नए रूप में भारत माता राज्य की पारंपरिक पोशाक पहने दिखाई देगी। त्रिपुरा में 4 प्रमुख आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये समुदाय जिस तरह की पोशाक पहनते हैं, त्रिपुरा में भारत माता भी ठीक उसी तरह की पोशाक पहने नजर आएगी। त्रिपुरा के बीजेपी प्रभारी सुनील देवधर के मुताबिक, इस क्षेत्र का आदिवासी समुदाय सालों से खुद को देश से अलग महसूस करता आया है, इसलिए इसे खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है। यहाँ की जनता भी भारत का हिस्सा है और भारत माता उनके लिए भी है। हर आदिवासी समुदाय की अपनी संस्कृति और अपनी पोशाक होती है, हम उन सभी का आदर करते हैं। बीजेपी पार्टी नेताओं ने बताया कि भारत माता के नए चित्रण के लिए पार्टी से जुड़ी महिलाओं की तस्वीरें ली गई हैं। सुनील देवधर के अनुसार भारत माता का जो चित्रण तैयार किया जाएगा, उसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी 300 आदिवासी समुदायों की परंपरा और संस्कृति की झलक होगी। गौरतलब है कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए हर बार कुछ न कुछ अलग प्रयोग जरूर करती है। त्रिपुरा में बीजेपी ने जो प्रयोग किया, वो पार्टी को आदिवासियों से सीधे जोड़ने में मदद करेगा। आपको बता दें कि इस वक्त त्रिपुरा में CPIM की सरकार है और माणिक सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस रिपोर्ट।